चर्चा मेरे नाम का, ये चूड़ी मेरी खन के, ये पायल मेरी छन के, दीपानी जरा बन के चलू मैं तन तन के। थोड़ी शरारत है थोड़ी है कोई भी जानना मुझ में है क्या, मन के बहारों की परी आई रे आई रे, खुशी 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 आई रे आई रे, खुशी 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 खुशी। अंकित है कि अंकिता है, और उसके बाद अंकित की तरह कपड़े पहन के पायल और चूड़ी मेरी खन के, हाँ, you have it all baby, yeah, let's find out if the judges think so. What's with the cap? I like that's it. That's Ankit. Oh God, man, why are you so good? It's all that. No, very cool, very spunky, as predictably smashing, mind blowing. Thank you. Thank you so much. Wow. अगर कोई तरकीब हो कि 10 में से 11 नंबर दिए जा सके तो मैं दे दूं। Right, 10 में से 11। उदित जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जब आप गा रही थी ना तो मैं स्टेज पे आके डांस करूं, मुझे डांस नहीं आता लेकिन sir, फिर भी डांस करना चाह रहा हूं। उदित जी आ जाइए, आ जाइए। मैं एक जज की हैसियत से कुछ कहना चाहता हूँ। जी उदित जी, आपने डांस ठीक किया लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। जजेस, क्या बात है, आपने कह दिया ना, बहुत ही मुश्किल गाना था और आपने इतनी आसानी से गा लिया, कैसे मैम? इसी काम के लिए यहाँ आए थे, अगर ये नहीं करते तो फिर अफसोस हो जाता। बहुत ही ब्यूटीफुल, वाह, बहुत एब्सोल्युटली, बहुत दर्द थी आवाज़ में, ब्यूटीफुल इमोशन, फैबुलस, थैंक यू मैम। जावेद साहब, बहुत अच्छा गाया और इस गाने में जो तड़प है उसको तुमने कैप्चर किया, वो बहुत बड़ी बात है। और थोड़ा सा सांस का और ख्याल रखो, एक आध जगह कहीं सांस का प्रेशर जो है वो आवाज़ पे और शब्दों पे आया, लेकिन ये कि इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। उदय जी, आपने जितनी भी परफॉर्मेंस किए अभी तक के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आज है आपका। अरे वाह, गुड लक।
लंदन देखा पेरिस देखा, लंदन देखा पेरिस देखा और देखा जापान, माइकल देखा एल्विस देखा सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। मतलब कंटेम्प्रेरी लिरिक्स हैं, आई लव माई इंडिया, उसमें भी आपने एकदम जो इमोशन लेके आए हैं, नॉर्मली वो थोड़ा एलियन साउंड करता है हमारे दिलों को, हमारे कानों को, वो भी आपने अपना बना दिया। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। ये गाना आसान नहीं है वैसे गाने में, ये बड़े नोट्स ऊपर भी जाते हैं, बहुत नीचे भी आते हैं। वेरी वेल डन। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा गाया सौर भी, और जो आपने एडलिप के शुरू में जो पिच चेंज किया था, हाई ऑक्टिव में शिफ्ट कर रहे थे आप, तो हालांकि वहाँ पे गला क्रैक हो रहा था, लेकिन वो क्रैक भी इतना अच्छा लगा क्योंकि आप इतने इन्वॉल्व हो रहे थे, इतने उसमें समाहित थे, कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी आज की परफॉर्मेंस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। कैन आई से समथिंग सर प्लीज? वो जो खिलाची, वो जो क्रैक था ना, वही तो ब्यूटी है। बात है। थैंक यू राकेश। सलाली जी, काश सौरभ भी मैं इस हरे रंग को और गहरा कर सकती, काश। अनु जी, थैंक यू सर। भाई एक बात मैं कहना बहुत जरूरी समझता हूँ, कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो बात ये है कि आज कई बार मेरा और अनु मलिक साहब का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, लेकिन आखिरी जो सिंगर है उस पर हम दोनों की राय बिल्कुल ही है। वेल सॉरी, दैट वाज वेल डन। और मैं तो चाहूंगा कि आपकी परफॉर्मेंस देखते टाइम सोनम इतनी खुश हो रही थी। सोनम, आई वुड लाइक टू आस्क यू, हाउ मच डिड यू एंजॉय दिस? आई थॉट द लास्ट वाज द बेस्ट एंड यू आर वेयरिंग अ लवली साड़ी। थैंक यू। मैं गाने के पहले जरूर कुछ बोलना चाहूंगा। जरूर। ऑब्वियसली टॉप 3 सिलेक्ट हो गए हैं इंडियन आइडल का, बहुत अच्छा लग रहा है, तीनों बहुत टैलेंटेड है। ज़रूर मुझ में कुछ कमियां थी, तभी मैं आज आउट हो रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मुझे बहुत खुशी है कि कपिल भैया, सौरभ दीदी, तोषा दीदी तीनों मुझसे बड़े हैं और तीनों सेलेक्ट हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग अच्छा से गाइए, आगे बढ़िए, और जो भी आइडल बने ऑल द बेस्ट। बाकी जजेस को बहुत बहुत
थैंक यू, आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तुम 100% राजदीप हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाओगे और बहुत बड़े सिंगर बनोगे, उसके अलावा आई प्रॉमिस यू अ वेरी वेरी गुड सॉन्ग वेरी वेरी सून। थैंक यू सर। यू नो, थैंक यू सो मच सर, आपने बोल दिया है तो फिर मैं आप ही का गाना गाऊंगा, इस प्यार को मैं क्या। बस वही गाना गा जिसने मुझे इतना हिला दिया था, क्योंकि वो गाना इतना मुश्किल था जब मैंने बनाया था और वो गाना तुमने इतने प्यार से गाया है। सुनाओ। दूर
सलाम दूं। राजदीप, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जावेद साहब, बहुत अच्छा गाया, बहुत पूरे कॉन्फिडेंस से गाया, बारीकियां उसकी न्यूएंसेस जो इस गाने के हैं उन्हें आपने पूरी तरह से निभाया है और खरा सुर था, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। राजदीप, तू दरवाजा खटखटा के नहीं तोड़ के आया है। सोनू, अपना ही गाना है, मैंने बनाया, सोनू ने गाया, एंड आई रिमेम्बर दैट मोमेंट वेरी वेल व्हेन वी रिकॉर्डेड। अभी हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जो जो हरकतें मैंने सोची थी वो सोनू ने ली थी, आज तू भी ले गया। अनाउंसिंग द अराइवल ऑफ राजदीप इन द हिंदी वर्ल्ड एज अ प्लेबैक सिंगर। दोस्तों, हमारी जो अगली कंटेस्टेंट है, ओके, देन शी विल रॉक। तो फिर इंतजार किस लिए? द गर्ल नेक्स्ट डोर, वर्तिका। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरी सिंगिंग है, जिस स्टाइल में मैं गाती हूँ वही मेरी स्ट्रेंथ है, और मेरी वीकनेस है कभी कभी कॉन्शियसनेस के कारण मेरे एक्सप्रेशंस में कमी आ जाती है। सबसे बड़े कंपेटिटर मुझे लगते हैं पूजा है, दीपाली है, शिफा है, और चारू काफ़ी अच्छा गाते हैं और मुझे लगता है कि ये काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन देंगे मुझे। गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो जो कहेंगे वो आपके लिए बहुत अहम डिसीजन होगा। मुझे थोड़ा सा ये परफॉर्मेंस सहमा हुआ सा लगा। आवाज़ में जो थ्रो चाहिए, जो फीलिंग चाहिए वो कम थी, बहुत केयरफुली गाया जा रहा है। आई थिंक थोड़ी सी घबरा रही है, तो आपकी सिंगिंग में भी बहुत ही यानी कि शेकी फीलिंग आ रही थी कि आप सुर को बहुत कांपते हुए, यू नो, नो कॉन्फिडेंस एट ऑल। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ही डिप्रेस्ड और इंजॉय नहीं कर रहे हैं गाने को, तकलीफ से गा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।